मैं हूं शिहान कुमार राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसा चीज़ जिससे जो आप मार्शल आर्ट में सब कोई हर रोज़ हर कोई कर रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो आपको सही तरीके से कैसे करना है, क्या क्या गलतियां करते हैं आप, उसको सुधारना कैसे है, सभी मैं बारीकी से बताऊँगा। तो मेन टॉपिक आता है कि क्या आज मैं बताने वाला हूँ, वो है KiAi। जो हम लोग KiAi बोलते हैं, KiAi बोलते हैं, वो चीज़ कैसे करके करते हैं और कहाँ से साउंड निकलता है, कहाँ से करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारे वीडियो को रैंक मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा बेल होगा उसको भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि लोग KiAi बोलते कैसे हैं, KiAi बोलते कैसे हैं, कहाँ से बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। तो मेन आपको पहले बताते हैं क्यों बोलना चाहिए। जब आप समझ लो फाइट करते हो, किसी से फाइट करते हो, तो क्या मुंह बंद करके फाइट कर रहे हो? नहीं, एक साउंड निकलता है ना, तो वो साउंड गुस्सा, जो गुस्से से ये किस लिए निकल रहा है, क्यों? क्योंकि आप अंदर की एनर्जी को निकाल कर उसको जितना पावर होता है, फोर्स होता है, वो लगा कर आप उसको अटैक कर रहे हैं। सेम चीज़ KiAi भी करते हैं, जब वैसे ही फील करके देखिएगा। जो पंच KiAi के साथ में जो निकलता है क्या, वो ज़्यादा पावर में, फोर्स में ज़्यादा दिखता है वो। तो वो चीज़ हमें करने के लिए हम लोग KiAi बोलते हैं। अब KiAi आता है कि कैसे और कहाँ से बोलते हैं। बहुत सारे लोग KiAi जोर से KiAi 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 यहाँ से बोलते हैं तो उनका गला भी ख़राब हो जाता है, और अगर रेगुलर जोर से गलत तरीके से बोलते हैं, वोकल कॉर्ड कटने का चांस ज़्यादा होता है, तो उनका ये गला ख़राब हो सकता है, उनका नली में दर्द होगा और वो बोलने की शक्ति भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गया भी है। तो आपको बोलना कहाँ से है? बोलना आपको यहाँ से है। KiAi जब बोलते हैं तो यहाँ से बोलते हैं। अब बोलेंगे यहाँ से कैसे बोलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाथ एक यहाँ पर रखें और एक यहाँ पर रखें। जब मैं KiAi बोल रहा हूँ तो KiAi बोलते वक्त ये चीज़, ये जो चीज़ है वो धक्का मारेगा अंदर। ये यहाँ पर हाथ रखे और इसको धक्का मारना है, इसको अप करना है। KiAi 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 KiAi। यहाँ से KiAi बोलने का फ़ायदा क्या है? यहाँ से जब आप KiAi बोलते हैं तो आप ये जो धक्का, जो यहाँ से जो पूरा सांस है वो निकाल कर जब फेंक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो आप जब क्रंच करते हैं ना, जो आप बैकअप्स करते हैं, क्रंच करते हैं, उसके ज़रूरत नहीं पड़ता है। पेट में चर्बी कभी नहीं बैठेगा, पावर आता है सो अलग। तौल पेट से यहाँ से लेकर, ये तौल पेट से लेकर पूरा पावर निकलते हुए मुंह से बाहर जाना चाहिए। KiAi जब बोल रहे हैं KiAi, ये जो है यहाँ से निकल कर यहाँ से बाहर, जैसे हम लोग कपाल भाती करते हैं प्राणायाम में, सेम चीज़ वैसे ही इसको भी है। यहाँ से जब भी KiAi बोल रहे हैं तो ये पूरा टाइट होगा, अंदर की तरफ धक्का मारेगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये अंदर जाएगा और ये बाहर की तरफ हवा हवा धक्का मारते हुए सांस को ऊपर, चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेगा और मुंह से सांस से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे करके KiAi बोलते हैं। तो आपको बता दिया गया कि इसका फ़ायदा क्या है, कहाँ से करते हैं, क्या गलती नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ताकि आप जब KiAi बोलते हैं तो प्रॉपर तरीके से अगर KiAi बोलते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक आपका अगर काता हो या कुमिते हो या कुछ भी हो वो उसमें भी अच्छा होगा, दूसरा आप में जो पेट में, जो पेट का जो चर्बी है वो कभी नहीं बढ़ेगा, तीसरा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को तो आपके पेट में गड़बड़ी नहीं होगी। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पेट में गड़बड़ी नहीं होगा। अगर सही तरीके से मार्शल आर्ट किया जाए कि कहाँ से कैसे सांस को निकालना है, कहाँ पर कैसे खड़ा होना है, कैसे सीजा करना है, हर एक चीज़ को अगर तोड़कर सही तरीके से अगर आप करते हैं तो आप में जो बीमारी है वो निकल जाएगा और दूसरा नया बीमारी आने का चांस 99% कम हो जाएगा। 1% आपके खाने पीने पर भी निर्भर करता है, आपके रहन सहन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा बेल होगा उसको भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। रोजाना सुबह में 6 बजे, शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर वीडियो आता है, तो आकर हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।